था, वहां भी आंख बंद करके खड़े रहते, क्योंकि हमारी बिलीफ रॉन्ग है। हम ये मानते हैं कि आंखें खुली होंगी, सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए हम आंख बंद करके बैठते हैं। पर क्या आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है? क्या अनुभव है? हाँ, क्या अनुभव है? परमात्मा को याद करने का प्रयास तो करते हैं ना, मन भटकता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि आंख नहीं देखती है, मन और बुद्धि देखते हैं। आंख तो देखने का बाह्य साधन है, मुख बोलने का साधन है, कान सुनने का साधन है, पर सुनने वाली, देखने वाली, बोलने वाली, सोचने वाली कौन? मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। हमने बाह्य आंखें बंद कर दी, पर मन बुद्धि की आंखें भटक रही है, तो एकाग्रता कैसे होंगी? मन की आंख फोकस है परमात्मा के प्रति, बाह्य आंखें खुली है, पर मन की आंख परमात्मा के प्रति फोकस है, तो आंखें खुली होते हुए भी मन एकाग्र हो सकता है। इसलिए योग अभ्यास के समय हम आंखें बंद नहीं करते, ना आंखें बंद करने का प्रयास करिए और ना ही आंखें फाड़ कर नहीं बैठने, कोई आंखों पर स्ट्रेस नहीं देना है, मन बुद्धि पर अटेंशन देना है। ये श्रेष्ठ चिंतन, सत्य चिंतन स्वयं के बारे में, पिता परमात्मा के बारे में आत्मा को शक्तिशाली बना। जैसे शुद्ध सात्विक पौष्टिक भोजन शरीर को शक्तिशाली बनाता है, ऐसे सत्य चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन, परमात्मा चिंतन आत्मा को एम्पावर करता है, ऑटोमेटिक कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल आता है, संयम आता है, और हम सही कर्म कर सकते हैं। तो सभी व्यवस्थित बैठेंगे, आंखें नेचुरल खुली रहने दें, फिजिकली रिलैक्स होके बैठेंगे। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, आप मेरे मस्तक में देखेंगे। हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन कैसे चिंतन करना है, मैं सजेशंस देती जाऊंगी। आपको मुख से रिपीट नहीं करना है, मन ही मन रिवाइज करना है, उसके अर्थ को रियलाइज करना है, उस अनुभव में स्थित होना है। कुछ क्षणों के लिए अन्य सभी बातों से डिटैच हो जाइए।
आसपास की व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, साक्षी दृष्टा बन जाइए। विचारों के विस्तार को समेट लें, स्वयं के मस्तक बीच अपने असली चैतन्य स्वरूप के प्रति केंद्रित हो जाइए। मैं आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा हूँ। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मेरा असली घर शांति धाम है। पांच तत्वों से पार अखंड लाल ज्योति ब्रह्म तत्व है। मैं आत्मा उस ब्रह्मलोक की निवासी हूँ। मैं सत्य चैतन्य आत्मा हूँ। शाश्वत सनातन दिव्य ज्योति चैतन्य शक्ति शांत और स्थिर। आनंद प्रेम स्वरूप मैं आत्मा जानती हूँ। पिता परमात्मा भी परम धाम के निवासी हैं। मैं मन की आंख से परम ज्योति बिंदु
पिता परमात्मा को देख रही हूँ। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे कल्याणकारी परम पिता आपके सद्ज्ञान को प्राप्त कर मेरा जीवन धन्य बन गया है। जैसे आप हैं वैसा ही मुझे बनना है। शांति के सागर शांति दाता मेरे शिव पिता आपकी संतान मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूँ मन शांत होने लगता है। जैसे ही आपको याद करती हूँ मेरा लक्ष्य बनता है शांति दाता की संतान मैं शांति दूत हूँ। मुझे सर्वत्र शांति फैलानी है। मैं आत्मा हूँ। एक शक्ति हूँ दिव्य ज्योति हूँ। शुद्ध हूँ शांत हूँ। मैं स्वयं दिव्य अलौकिक ओम शांति।